Hello, welcome to NORTHEAST PSC. After discussing One Nation, One Election, today we'll be discussing about One Nation, One Student ID. सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है और काफ़ी इतना नया है कि हम खुद भी नहीं सोच सकते हैं. बट स्टिल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इन द न्यूज़ एंड गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड दिस न्यू इनिशिएटिव. तो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्या है और इसका मतलब क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है, ये हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानना बेहद ज़रूरी है. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. This is me, Nuzrul Islam is my name. I did my graduation and post-graduation from Jamia Millia Islamia. I teach political science and international relations. So ये सारे चीज़ें यहाँ पर है. उसके अलावा if you want to get in touch with me, you can get connected through X or LinkedIn. So okay, recently something happened. Okay. Recently, several state governments requested schools to seek parental consent for the creation of a new student identity card known as APAR. APAR का फुल फॉर्म क्या है? Automated Permanent Academic Account Registry. APAR जो है कई सारे स्टेट में ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है. तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो वैसे में आप पेरेंटल कंसेंट ले इन क्रिएटिंग एन अपार. अपार इज़ एन आईडी. वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था. तो इसके तहत जो है एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी जो है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है और उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट स्मॉल है लाइक इफ़ ही और शी इज़ नॉट एडल्ट तो वैसे में पेरेंट का कंसेंट लेना चाहिए. इस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ न्यूज़ में है. तो अपार क्या है, जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी होता क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. अपार का मतलब आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. It envisioned as a special ID system for all students in India starting from childhood. मतलब कि एकदम बचपन से लेकर एकदम आप हायर एजुकेशन तक हर एक स्टूडेंट के लिए all students would have one of this ID card. तो एक स्टूडेंट को एक ID card, जिसे आप क्लास LKG में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा and that will stay with you throughout your academic journey. ठीक है. सो इस इनिशिएटिव के तहत क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट को एक लाइफ लॉन्ग अपार आईडी मिलेगा. तो और उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है या फिर जो स्कूल हैं गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा. जो एक बच्चे की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है, वो पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, कहाँ उसका एडमिशन हो रहा है, उसका एकेडमिक में कोई गैप है कि नहीं, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे मतलब जो है आपका स्टोर करने में, एक जगह से एक्सेस करने में काफ़ी मदद होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टिल हायर एजुकेशन. तो दिस विल बी एन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू वन स्टूडेंट थ्रू आउट हीज और हर एकेडमिक जर्नी. तो ये हो गया. अपार क्या करेंगे, इट विल सर्व एज ए गेटवे टू डिजीलॉकर. आप डिजीलॉकर के बारे में जानते होंगे, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है. डिजीलॉकर में अगर आप अकाउंट बनाते हैं, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड डिजिटली. चाहे आप कहीं पर भी हो, आपको बस अपना लॉगिन आईडी डालना होता है. तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वी डू नॉट कैरी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना. तो ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड चाहिए, ऐसे में अगर आपको क्लास 10th की सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट चाहिए, तो बस आप जो है डिजी लॉकर में आप सर्च करें, लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, जस्ट गेट इट प्रिंटेड. तो उसी तरह से इट विल सर्व एज ए गेट वे टू डिजी लॉकर, ए डिजिटल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टोर देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अचीवमेंट्स सच एज एग्जाम रिजल्ट्स, रिपोर्ट कार्ड्स, मेकिंग इट ईजियर टू एक्सेस दैम एंड यूज़ दैम. तो ये एक बहुत ही हैसल फ्री, बहुत ही एक मतलब वेल इंटेंशनड इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसमें कुछ मतलब एम है बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव कॉल्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी. व्हाट आर दिस एम? पहला गोल ये है, इंट्रोड्यूसिंग अपार इज टू मेक एजुकेशन हैसल फ्री एंड रिड्यूस द नीड फॉर स्टूडेंट टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स. तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस अभी मैं एक दूसरे शहर में गया था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हैं, अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ नहीं हैं। जस्ट इमेजिन इफ़ आई हैव had this one national one student ID, all my documents could be accessed easily from anywhere and everywhere in this country। तो ये क्या होगा कि आपको फिजिकली एक डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना नहीं करना पड़ेगा, और जब आप फिजिकली कैरी करते हैं आपको वो खोने की संभावनाएं रहती हैं, वो आपका टीयर हो जाता है, टूट जाता है, फट जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से क्या हो जाता है, बच जाते हैं। विल बी saved your important documents। This initiative was launched as part of the National Education Policy of 2020 by the Education Ministry। ठीक है, इसका और एक एम यह है कि बहुत सारे केसेस में लोग डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट बनाते हैं, फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हम लोग के एग्जिस्टिंग MP MLA जिनके अगेंस्ट में इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं कि दे हैव प्रोक्योर्ड फॉल्स और फ्रीवोलस सर्टिफिकेट्स, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगा बिकॉज यू विल हैव ओनली वन स्टूडेंट ID। अगर वो नहीं है देन यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये फ्रॉड और डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को भी रोकने में क्या होंगे, ये एक पहल है। Only first party sources that issue certificates will be allowed to deposit credits into the system। अगर आप मान लीजिए कोई स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं, कोई कॉलेज में, कोई मिडिल स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं, ओनली दैट स्कूल विल बी एबल टू पुट क्रेडिट इन योर स्टूडेंट ID। उसके अलावा कोई भी वहाँ पर जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसको जो है आपका मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो अपार ID है ये किस तरह से काम करेगा, ये तो हो गया एम, गोल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, हर एक इंडिविजुअल को क्या करेगा, एक अपार ID मिलेगा। ठीक है, और वो आपका इट विल बी लिंक टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ABC जो होगा आपके एकेडमिक्स में आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को भी इस स्टूडेंट ID के अंदर क्या किया जाएगा, फीड किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये डिजिटल स्टोर हाउस होगा, हाँ, आपके सारे क्रेडिट से जुड़ा जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन यू कुड इजिली एक्सेस देम। ठीक है, और अपर ID के साथ साथ स्टूडेंट वुड बी एबल टू स्टोर ऑल देयर सर्टिफिकेट्स क्रेडिट्स, चाहे वो आपका फॉर्मल एजुकेशन से आ रहा हो या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन से आ रहा हो, उन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं एज पार्ट या फिर एजुकेशनल और एकेडमिक नॉन एकेडमिक जर्नी। तो आपके जो भी आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। When a student completes a course or achieves something, it is digitally certified and securely stored in her account by authorized institution। तो अगर आप कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, अगर कोई जो एजुकेशन आपने कंप्लीट किया, तो आप यहाँ पर डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। इफ द स्टूडेंट चेंजेस स्कूल, अगर आप स्कूल चेंज करते हैं तो वैसे में क्या होता है, आपको माइग्रेशन लेना होता है, लीव सर्टिफिकेट लेना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है, और पास सर्टिफिकेट, पता नहीं कितने सारे सर्टिफिकेट्स लेना होता है। इफ़ यू आर चेंजिंग ए कॉलेज और चेंजिंग एन इंस्टीट्यूशन, ऐसे में अगर आपके पास अपार ID है, सिर्फ आप लॉगिन आई डी के थ्रू आप वहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट है, आपको तमाम चीज़ों के लिए इतना टाइम भी वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल हो सकता है। तो एक स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, एक ID क्रिएट करने के लिए, ठीक है, साइन अप करने के लिए, अगर आप अपार ID के लिए आप साइन अप करना चाहते हैं, स्टूडेंट को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक फोटोग्राफ, ये 5 चीज़ें चाहिए होगा। ठीक है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा बाय यूजिंग आधार। आधार को मतलब ऐसे नहीं, मैंडेटरी नहीं, अगर आप मना कर देंगे तो कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। आधार इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा जस्ट टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशंस। और उसके साथ साथ एक कॉन्सेंट फॉर्म में भी आपको साइन करना पड़ेगा, और कॉन्सेंट फॉर्म में अगर आप मान लीजिए कि आप एडल्ट नहीं हैं, वैसे में योर पेरेंट्स विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, For minors, parents will have to sign the consent form allowing the ministry to use the student's Aadhaar number for authentication with UIDAI। और जो आपका आधार अपार ID की अगर हम बात करें, ये वॉलंटरी है, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं इट्स अप टू यू, ये मैंडेटरी नहीं है। तो आप किस तरह से बना सकते हैं, बस आपको सिंपली लॉग इन करना है विथ आधार और विथ सम अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। ओके, कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, या फिर इशू ऑफ प्राइवेसी हो सकते हैं। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव कंसर्न्स अबाउट देयर शेयरिंग ऑफ आधार डिटेल्स, कि अगर हमने आधार डिटेल्स दे दिया तो ये आधार की डिटेल्स जो है ये कहाँ पर जा रहा है, इज इट बीइंग शेयर्ड विद एनीवन एल्स। तो गवर्नमेंट का कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू शेयर दिस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन एक्सेप्ट UDISE। एक क्या है, यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है, तो ये UDISE प्लस के साथ बस हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन UDISE प्लस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसका क्या काम है, उसका सांगठनिक कोई जो है आपका रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों का ऊपर क्या है क्लाउडेड वो है। तो इसीलिए क्या UDISE के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी सही रहेगा कि नहीं, और जब बच्चे की आप क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप कहाँ शेयर करें, तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं विच ओनली टाइम विल टेल हाउ दिस particular initiative proves to be, whether it is successful or not. If you have any information, any comment, any observation, any question, any query with respect to this particular discussion, please let me know in the comment box. I'll be more than happy to respond to all your queries. Thank you so much. See you in the next video.